तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग मेरी एक वीडियो का एनालिटिक्स देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी एक वीडियो का एनालिटिक्स ओपन करके रखा हुआ है और ये वीडियो देखिए मैंने 6 दिन 2 घंटा यानी कि 6 दिन पहले डाली हुई है और इस वीडियो पर आप लोग व्यूज देखिए 6.5K यानी कि 6500 व्यूज आ चुके हैं और ये वीडियो मेरी इस समय वायरल चल रही है। इस वीडियो पर डेली 1000 व्यूज आराम से आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने अपनी इस वीडियो को कैसे वायरल किया है तो वही मैं आपको ट्रिक आज बताने वाला हूँ। तो आप लोग उस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपनी यूट्यूब वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखिए अपनी एक वीडियो का एनालिटिक्स यहाँ पर ओपन करके रखा और यहाँ पर आप लोग देखिए 6 दिन 2 घंटा यानी कि 6 दिन पहले मैंने अपनी इस वीडियो को डाला था और यहाँ पर इस वीडियो पर आप लोग इस समय प्रेजेंट टाइम पर व्यूज देखिए 6.5K 6500 व्यूज आ चुके हैं और इसका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट देखिए 16.3% का है और यहाँ पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट 33 सेकंड तक ये वीडियो देखी जा रही, यानी कि इसका जो तीनों तीर है वो देखिए एकदम ग्रीन और पूरा ब्लू पूरा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से एकदम ये मेरी वीडियो इस समय वायरल चल रही है और इस पर अगर रियल टाइम पर आप लोग व्यूज देखोगे तो मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर रियल टाइम पर देखिए, इस सबसे पहले इसका आप लोग ग्राफ देखिए 6.5K यानी कि 6500 व्यूज आ चुके। ग्राफ देखिए कि इसका कैसे जा रहा है, मतलब ग्राफ इस तरह से जा रहा है यानी कि इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और इस पर व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 48 घंटे में इस पर 1837 व्यूज आए और अगर मैं आपको 60 मिनट में दिखाऊं तो 60 मिनट में 65 और 70 व्यूज तो आराम से आ रहे हैं, यानी कि पर डे इस वीडियो पर 1000 व्यूज तो आराम से आ रहा है। तो आखिर मैंने ऐसा कौन सा दिमाग लगाया जिससे मैंने अपनी इस वीडियो को वायरल किया है, तो वही दिमाग लगा के आप लोग भी अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो आप लोग भी यूट्यूब पर काम करते हो, काफी टाइम से काम कर रहे हो, लेकिन आपका ना तो चैनल ग्रो हो रहा है और ना ही आपकी वीडियो वायरल हो रही, तो इस वाली वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको सारी चीज एकदम डिटेल बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी यूट्यूब वीडियो कैसे वायरल कर सकते हो। आपको मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग भी यूट्यूब पर ग्रो हो सकते हो। जैसा आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख ही लो, मेरी इस वीडियो पर इस समय प्रेजेंट टाइम पर 6543 व्यूज हैं, ठीक है। और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी 6 दिन पहले ही डाली है। आप मेरी रिसेंटली वीडियो जो मैंने डाल रखी उस पर चेक करो, इतने व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन इस वाली वीडियो पर डेली मेरे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, 1000 व्यूज डेली आ रहे हैं और देखिए प्रेजेंट टाइम पर 6500 व्यूज है और देखिए इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा है और इसका मैं आपको एनालिटिक्स दिखा ही चुका हूं। देखिए प्रेजेंट टाइम पर कितने व्यूज आ रहे हैं, 48 घंटे व्यूज आए और इससे मेरा वॉच टाइम देखिए 388 घंटे का वॉच टाइम मिला है। बहुत से लोग कहते हैं मेरा वॉच टाइम कैसे पूरा होगा, मेरी वीडियो नहीं वायरल हो रही, तो यहाँ पर देखिए मेरी एक वीडियो से 6500 व्यूज आए और देखिए 388 घंटे का यहाँ पर मुझे वॉच टाइम मिला है और सब्सक्राइबर देखिए 17 सब्सक्राइबर बढ़े। और इससे अगर मैं आपको अर्निंग दिखाऊं तो देखिए $1 $1.76 की अर्निंग हुई है। इस तरह से आप लोग भी अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। ये वीडियो मेरी वायरल क्यों है, क्या यहाँ पर देखिए हाउ व्यूअर फाउंड दिस वीडियो, यहाँ पर देखिए यूट्यूब सर्च से 5.4K यानी 5400 व्यूज यूट्यूब सर्च से आए, उसके बाद यूट्यूब रिकमेंडेशन है देखिए 837 व्यूज आए, उसके बाद यूट्यूब होम से 834 और यूपी नेक्स्ट यानी कि अप नेक्स्ट से 3 व्यूज आए। तो इस तरह देखिए मेरी वीडियो वायरल चल रही है, यूट्यूब सर्च से ज्यादातर व्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूँ, तो उस तरह से आप लोग भी अपनी यूट्यूब वीडियो को वायरल कर सकते हो। मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग काफी टाइम से काम करते रहते हैं, काफी महीनों से काम करते रहते हैं और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई मैं अपने मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, मैं अपनी वीडियो कैसे वायरल करूं, मेरे वीडियो वायरल नहीं हो रही है, मुझे कोई ट्रिक बताओ, कोई टिप्स बताओ। तो आप लोग अगर वीडियो वायरल करना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लाइव प्रूफ दिखा ही रहा हूँ कि मेरी वीडियो वायरल है और इस समय वायरल चल रही है और देखना ये आराम से 10,000 व्यूज तो क्रॉस कर लेगी, 4 से 5 दिनों में ये 10,000 व्यूज आराम से क्रॉस कर लेगी। और अगर आपकी एक वीडियो वायरल निकल गई तो वहीं से आपकी 1000 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट हो जाते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाता है और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। तो इसलिए आप लोग अपनी एक वीडियो को सिर्फ और सिर्फ वायरल कर लो, बस आपका एक वीडियो से ही आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। जैसा आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर देख ही रहो, इस वीडियो से 388 घंटे का मुझे वॉच टाइम मिला है सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से। तो अगर आप लोग ने ऐसी 7-4-5 वीडियो निकाल ली तो आपका तो वॉच टाइम वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और सब्सक्राइबर देखिए 17 सब्सक्राइबर बढ़े और यहाँ पर अर्निंग देखिए $1 की अर्निंग हो रही मुझे और इससे अर्निंग बढ़ती जा रही है। ये वाली वीडियो देखिए 6 दिन पहले डाली और उस पर इतने व्यूज आए, तो आखिर मैंने इसमें कौन सा दिमाग लगाया जिससे आपको भी अपने यूट्यूब वीडियो को वायरल करना है। मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइटल अच्छे से लिखो, टैग अच्छे से लगाओ, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन मायने तो रखता है, लेकिन जब आप ऑडियंस को टारगेट करते हो, जैसे अगर आपका जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे आप कोई टेक वीडियो बनाते हो, ठीक,
टेक बताते हो कि सब्सक्राइबर कैसे गेन करें, व्यूज कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप लोग जैसे कोई वीडियो बनाई कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें, तो उस पर तो आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छे से एसईओ तो करना ही पड़ेगा अगर आपको एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल ऐसे वीडियो बना रहे हो तो वहां पर आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं। जैसे ये वाली वीडियो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले टाइटल लिखे आर राजेश ब्लॉग की काली सच्चाई देख लो, यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, हाउ टू वायरल यूट्यूब वीडियो। यहाँ पर मैंने टाइटल देखे इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर जो मेरी वीडियो वायरल चल रही है ये टाइटल की वजह से नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एनालिटिक में दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो वीडियो पर जो व्यूज आ रहे हो किससे आ रहे, सर्च से आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक सोर्स YouTube सर्च से आ रहा है, यानी कि ये वीडियो ज्यादातर सर्च की जा रही और सर्च करने पर मेरी वीडियो पर इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट इतना हाई क्यों है। देखिए इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट 16.3% का है और एवरेज ड्यूरेशन देखिए 3 मिनट 33 सेकंड तक मेरी वीडियो मतलब देखी जा रही। तो यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो वायरल करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपका CTR यानी कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, यानी कि आपका जब वीडियो लोगों के पास पहुंच रही तो कितने लोग आपकी वीडियो को प्ले करके देख रहे हैं, और दूसरा आपकी वीडियो लोग कितनी देर तक देख रहे हैं, यानी कि पहला इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट यानी कि CTR, और दूसरा आपकी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन। और मेरी इस वाली वीडियो का देखिए इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट भी एकदम पूरा ऊपर की तरफ चल रहा है, और देखिए एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी पूरा ऊपर की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आखिर ऐसा कौन सा दिमाग लगाया है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पर मैंने जो दिमाग लगाया है वो थंबनेल में, तो आप लोग यहां पर थंबनेल में देखिए मैंने क्या लिख रखा है, आर राजेश व्लॉग की काली सच्चाई देख लो, यानी कि आर राजेश व्लॉग आप लोग जानते होंगे, ठीक है, एक व्लॉगर है, ठीक है, यूट्यूब पर इनके 4-5-6 लाख सब्सक्राइबर हैं और इनकी मैं वीडियो फॉलो करता हूं, ठीक है, इनकी भी वीडियो देखता हूं, इनका भी मैं फैन हूं एक तरह से, और इनकी वीडियो मैं रेगुलर फॉलो करता हूं, और इनकी वीडियो देख के मैं भी मोटिवेट होता हूं और आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये आर राजेश व्लॉग को मैं अपना एक तरह से गुरु मानता हूं क्योंकि इनकी वीडियो देख के मैं मोटिवेट होता हूं। तो इनको आप लोग जानते होंगे यूट्यूब पर इनका बड़ा चैनल है, बहुत ही बड़ा है, 5-6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है और उस पर लाखों में व्यूज आते हैं। तो इनके ऊपर मैंने वीडियो में तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, आप वीडियो चेक कर लो, वीडियो में मैंने इनके बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ मैंने इनकी अर्निंग बताई और ये किस तरह से वीडियो डालते हैं बस वो बताया। लेकिन यहाँ पर मैंने थंबनेल में दिमाग लगाया, थंबनेल में मैंने लिखा है आर राजेश ब्लॉग की काली सच्चाई देख लो, और इस थंबनेल को जैसे ही लोग देख रहे तो उस पर क्लिक कर रहे जानने के लिए कि आखिर है क्या, और जब क्लिक कर रहे उसके बाद मैंने इस वीडियो में पूरा सस्पेंस क्रिएट करके रखा है स्टार्टिंग से कि मैं आपको काली सच्चाई बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वीडियो जब लास्ट मोमेंट पे आता है यानी खत्म होने वाला होता है तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि कोई काली सच्चाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर ही ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से मैंने वीडियो में केवल एक तरह से पॉजिटिव चीज ही दिखाई, निगेटिव चीज नहीं दिखाई है, लेकिन यहाँ पर मैंने थंबनेल में क्लिकबेट किया है। तो इस तरह से जो मेरी वीडियो का CTR भी हाई चल रहा है, वीडियो जैसा वो भी हाई चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। आपका किसी भी कैटेगरी में चैनल होगा तो आपको करना क्या है, आपको पूरा दिमाग थंबनेल पर लगाना, ठीक है। सबसे पहले आपको वीडियो तो अच्छे से शूट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर SEO करने वाला है वीडियो तो SEO करो, नहीं तो सिर्फ सिर्फ नॉर्मल रख दो। ज्यादा जो व्लॉगिंग करते हैं तो उनको SEO करने की कोई जरूरत नहीं। तो जैसे अगर आप लोग का व्लॉगिंग चैनल है तो आप लोग कर क्या सकते हो, कोई भी थंबनेल में क्लिकबेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन थंबनेल में क्लिकबेट आप लोग जो करो तो एकदम मतलब अच्छे से थंबनेल क्लिकबेट होना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए, कोई गाली गलौज नहीं करना थंबनेल में, सिर्फ और सिर्फ क्लिकबेट करना। जैसे यहां पर मैंने इस थंबनेल में क्लिकबेट किया बस, और अगर आप लोग वीडियो चेक करोगे तो वीडियो में आपको कुछ भी गलत नहीं मिलेगा बस। और क्लिकबेट के चक्कर में ये मैंने यहां पर आर राजेश व्लॉग की काली सच्चाई देख लो, क्योंकि यहां पर लोग क्यूरियोसिटी के लोगों के मन में जो है क्यूरियोसिटी जगी कि आखिर काली सच्चाई है क्या, लाओ देखे जरा। और जब उन्होंने वीडियो प्ले किया तो स्टार्टिंग से मैंने इनको बांध के रखा ऑडियंस को कि आप लोग देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, और लास्ट में मैं केवल इनके बारे में अच्छी चीजें मैं बताता गया कि कैसे इनका वीडियो वायरल चल रहा है, कैसे व्यूज आ रहे हैं, सारी चीजें मैं बताता गया। और लास्ट में जाके मैंने बोला कि कोई काली सच्चाई नहीं। तो इस तरह से मेरी वीडियो का क्या कहते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिलता गया, लोग मेरी वीडियो पर रुके रहे, देखते रहे, और इसी वजह से मेरी वीडियो इस समय वायरल चल रही है। और आप लोग देखिए इस समय 6500 व्यूज आ चुके हैं, और देखना 4-5 दिनों में 10,000 व्यूज आराम से क्रॉस कर लेगी। तो इस तरह से देखिए मेरी वीडियो वायरल चल रही। तो यहाँ पर मैंने दो चीजों को पकड़ के रखा, यहाँ पर सबसे पहले थंबनेल इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, यानी थंबनेल में मैंने ऐसा कुछ लिखा जिससे लोग मेरी वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद मेरी वीडियो को लोग देख रहे हैं। केवल आपका थंबनेल ही नहीं अच्छा होना चाहिए, थंबनेल अगर आपका अच्छा होगा क्लिक तो करेंगे, लेकिन जब वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आपकी वीडियो एक टाइम के बाद रुक जाएगी। तो इसलिए आपको थंबनेल तो अच्छा से अच्छा डिजाइन करना, उसके बाद आपको क्लिक थ्रू मतलब एवरेज व्यू ड्यूरेशन पर भी ध्यान देना, यानी कि आपको अपनी वीडियो को ऐसा बनाना ताकि लोग रुकें। और यहाँ पर मेरी इस वीडियो पर लोग रुक रहे हैं, क्लिक तो कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद रुक भी रहे हैं, तभी मेरी वीडियो देखिए वायरल चल रही है। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी YouTube वीडियो को वायरल कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर क्लिकबेट करो तो कभी भी किसी के बारे में गलत चीज मत बोलना, यानी क्लिकबेट में थंबनेल में कभी गलत मत लिखना। क्लिकबेट में आप लोग नॉर्मल शब्द लिख सकते हो, नॉर्मल चीजें लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने नॉर्मल लिखा है। तो इस तरह से आपको क्लिकबेट करना है बस, बाकी वीडियो में आपको ना तो किसी के बारे में गलत बोलना, ना ही किसी के बारे में आपको कुछ गलत टिप्पणी करनी है, बस
कि थंबनेल को आप लोग केवल क्लिकबेट कर सकते हो क्योंकि बड़े बड़े लोग क्लिकबेट करते हैं, आप टेक कैटेगरी जो बड़े बड़े यूट्यूबर सब क्लिकबेट करते हैं। बाकी आपको वीडियो में कभी भी कुछ गलत नहीं बोलना है बस, और आपको अपनी ऑडियंस को जो है अच्छी चीजें ही बतानी है। और ये वाली वीडियो मैंने सिर्फ उसे क्लिकबेट किया है, बाकी वीडियो मैंने इनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है। और वीडियो आप पूरी चेक कर लो, वीडियो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आखिर वीडियो कैसे वायरल करना है, मैंने अपनी ऑडियंस को कैसे बांध के रखा। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी वीडियो वायरल कर सकते हो। और आप लोग प्रेजेंट टाइम पर व्यूज देख ही रहे हो, 6500 है यहाँ पर, देखिए हर एक घंटे में 60-65 व्यूज तो आराम से आ रहे हैं। और अगर आप लोग की एक वीडियो निकल गई तो वहीं से आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा और आपका जो वॉच टाइम है वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो है चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी वीडियो वायरल कर सकते हो जैसे मैंने अपनी इस वाली वीडियो को वायरल किया है। लेकिन आप लोग बस एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी किसी के ऊपर गलत वीडियो मत बनाना, बस मैंने यहाँ पर क्लिकबेट करना आपको बताया है बस, और क्लिकबेट भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी वीडियो वायरल कर सकते हो। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोग के लिए यूट्यूब से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूं, यूट्यूब पर काम करने के तरीके बताता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।